पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को गांव उझाना में किसान किताब सिंह चहल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान गढ़ी व उझाना के बीच किसानों द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन के दौरान उझाना गांव के किसान किताब सिंह चहल की हृदयाघाति रुकने से मृत्यु हो गई थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़क पर बैठने को मजबूर हैं और आज प्रदेश का किसान कष्ट में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है, जिसमें वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस समय पता चल जाएगा कि कौन किसान के साथ है। तो आप किस प्रकार उनके साथ हैं और उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बयान दिया था, सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए और उनके घर में एक एक नौकरी भी देनी चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं गए हैं, एक कॉज के लिए गए हैं, किसान के लिए गए हैं, और सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इतनी सर्दी है, इतना कष्ट में है किसान, पूरे देश के किसान हैं, तो तुरंत इनकी बात मानकर और उनसे सरकार है जो इस आंदोलन को किसान आंदोलन ने बताकर विपक्ष का आंदोलन बता रही है। विपक्ष का कोई बात है, हम इसमें नेतृत्व नहीं कर रहे, किसान कर रहे हैं, समर्थन है हमारा पूरा। जितने भी नेता हैं सारे किसान को कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा, सभी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा कोई भी नहीं दे रहा। जेजेपी कह रहे हैं ऐसा है, इसी वास्ते कोई बयान देना अलग बात है, एक तरफ बयान देते समर्थन कर रहे हैं, इसी वास्ते विधानसभा का आज राज्यपाल जी का है, तुरंत सेशन बुलाएं इमरजेंट और अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे, पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ।